राजा खारबा और एकता सारंगाव के बीच में ये मैच अब शुरू होने जा रहा है। टॉस को जीता है जानता राजा खारबाव ने और पहले फील्डिंग करने का उनका फैसला रहा है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, खेल को अब शुरू करना है। तीन तीन ओवर का ये मुकाबला रहेगा। दोनों टीमों का जो पहला मैच रहा था बहुत ही बेहतरीन रहा था, अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और अब ये जो मैच रहेगा एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलेगा। खेल की शुरुआत होते हुए दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके हैं एकता सारंगाव की तरफ से। तेजस और संकेत दोनों ओपनर बैट्समैन और पहले ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए उमेश तरे। एम्पायर तीन तीन ओवर का मैच है, एम्पायर पावर प्ले नहीं है, नॉन पावर प्ले रहेगा। दो बजकर 51 मिनट हो रहे और 20 मिनट का वक्त है, एक इनिंग के लिए 20 मिनट का वक्त है, लेकिन तीन ओवर 15 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। अगर तीन ओवर ये 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होते तो लास्ट ओवर, तीन ओवर का मैच है ओके, तो 10 मिनट के अंदर दो ओवर कंप्लीट करने होंगे और 10 मिनट के अंदर अगर दो ओवर कंप्लीट नहीं होते तो लास्ट ओवर में एक खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर लाना होगा। पहली गेंद वहां पर उमेश की अच्छी रही थी, डॉट गेंद रही थी, इस बार लोअर फुटॉस गेंद वहां पर क्रॉस दी लाइन खेल दी, आड़े बल्ले से गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला वहां पर बल्लेबाज ने और उसी बीच थोड़ा सा फंबल हुआ है, बल्लेबाजों ने तेज कदमों से दो रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। तेजस और संकेत ये दोनों बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत की है, दो रन से खाता खुला है एकता सारंगाव का और बैट्समैन तेजस पाटिल का। उमेश तरे पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, देखना है फील्डिंग में अब चेंजेस किए गए और इस बार देखना है स्विच हिट खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी और फिर से वहां पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर, दो रन आए हैं, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वहां पर, तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है, हालांकि स्विच हिट खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज और बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी जहां पर तेज कदमों से दो रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर, स्कोर इन दो रनों की मदद से अब 4 पर। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ जानता राजा खारबा और एकता सारंगाव के बीच में ये मैच, दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीता है तो कहीं ना कहीं अच्छा अनुभव है जय गांव देवी चषक का दोनों टीमों को। इस बार गेंद की लाइन से हटकर वहां पर खेल दिया इस गेंद को डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट गिरता हुआ। तो विकेट इस वक्त गिरा और बैट्समैन तेजस पाटिल आउट होकर वापस जाते हुए गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को बैट कोर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की थी जहां पर वनराज किया, तो ये पहला विकेट अब गिरा यहां पर एकता सारंगाव का। तेजस आउट होकर वापस लौटते हुए 4 रन बनाए अपनी इनिंग में उन्होंने और पहला ब्रेक थ्रो पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। उमेश तरे एक ऐसे गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज है या फिर वो कहीं पर भी क्रिकेट खेले विकेट हमेशा वो लेते हैं। आइए वेलकम सचिन मस्की, आपका भी स्वागत है, वेलकम विशाल पाटिल, नए बल्लेबाज। पिछले मैच में विशाल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मैच जिताऊ पारी उन्होंने खेली थी और वही पारी को एक बार फिर से दोहराना होगा इस मैच में। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज उमेश तरे आते ही साथ ऑन साइड में खेला इस गेंद को, देखना है एक बार फिर से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार क्या छूटा है, जीवन दान मिला है वहां पर विशाल पाटिल को, पैरों पर गेंद थी, बॉटम मिड का अच्छा इस्तेमाल किया था वहां पर विशाल ने, लेकिन मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी से चूक गई और ये बिल्कुल आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ।
विशाल पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े हिट भी लगाते हैं, सेंसिबल क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन उनका वहां पर क्या छूटा है। पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी विशाल ने, तो ये अच्छे संकेत नहीं है जानता राजा खारवाओ के लिए। फिर से वहां पर इस बार ऑन साइड में खेल दिया गेंद को और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट अब गिरा है वहां पर विशाल पाटिल का। गिर चुका है एकता सारंगाव का, विशाल पाटिल आउट होकर वापस लौटते हुए एक बार फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की और दो सफलताएं दिलाते हुए अपनी टीम को वहां पर। उमेश तरे पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 6-2 विकेट गंवाने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे विशाल पाटिल और तेजस पाटिल, लेकिन अभी भी वहां पर अगर हम देखें तो दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, नए बल्लेबाज आए हैं अक्षय और उनका साथ देते हुए इस वक्त संकेत और गेंदबाजी में अब आएंगे। देखना है कि उमेश के बाद कौन से गेंदबाज को बुलाया गया वहां पर गेंदबाजी के लिए। चेतन तरे को बुलाया गया है, पिछले मैच में चेतन तरे ने 5 गेंदे की थी और वो बहुत ही बेहतरीन उनकी 5 गेंदे रही थी, लेकिन यहां पर अब पूरा ओवर लेकर आए अपना वो। पहली गेंद वहां पर चेतन की घूमकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, इस मैच की विजेता टीम और जय हनुमान पिंपलास के बीच में मैच रहेगा। ऑन साइड पे खेल दिया इस गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। आया वहां पर बैट्समैन संकेत के बल्ले से पैरों पर गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है, आउट ऑफ द पार्क गेंद चले गई मिड विकेट से होते हुए 6 रन। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर आया, सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 12 पर। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार ये बेहतर गेंद रही है चेतन की, डॉट गेंद। तो बहुत ही बेहतरीन ये मैच इस वक्त चलता हुआ, फिर से वहां पर देखना है कि घूमकर ही खेलना चाहते थे इस गेंद को वाइट। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और ये अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ, सिंगल रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेट गंवाने के बाद। एकता सारंगाव ने अब तक रन बनाया है 13। फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे वहां पर, देखना है अपने फॉलो थ्रो में कैच को पकड़ा है, मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे वहां पर बैट्समैन और ये तीसरा विकेट गिरता हुआ एकता सारंगाव का।
ओवर के लिए 8 मिनट का वक्त लिया गया है। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए वेदांत पाटिल को बुलाया गया है। वेदांत पाटिल लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं, सामना करेंगे वहां पर पहली गेंद का बैट्समैन नवीन। पहली गेंद वहां पर वेदांत की अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखा था, थोड़ा सा जगह बनाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन नवीन, लेकिन डॉट गेंद रही है। तीसरे ओवर का यहां पर खेल शुरू हो चुका है, स्कोर जो अब तक बनाया गया वह है 14 रन। फिर से अच्छी गेंद रही वहां पर, फुलर लेंथ की गेंद रही, ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को। काफी दूर से खिलाड़ी गेंद की तरफ आते, उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 14 गेंदों का अब तक खेल हुआ है जिसमें 15 रन बनाए गए और बीच में 3 विकेटें भी गिरी है। तेज तरार स्ट्रोक लगा इस गेंद के ऊपर, वहां पर देखना है बल्लेबाज ने, अच्छी फील्डिंग रही और 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन खेल देखने को अभी हमें मिल रहा है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिल रही है। अगला जो मैच रहेगा, इस मैच की विजेता टीम और जय हनुमान पिंपलास के बीच में अगला मैच हम देखेंगे, वो मैच भी 3 ओवर का ही रहेगा। पटकी हुई गेंद वहां पर हुक कर दिया गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो विकेट वहां पर गिरा और बैट्समैन अक्षय आउट होकर वापस जाते हुए, कवर में खेलने की कोशिश की थी वहां पर लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन कैच और ये 4th विकेट, अब 5वां विकेट गिर चुका है। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए जय पाटिल।
एक ही गेंद बची हुई है इस इनिंग में, 23 रन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर गेंद को मिडल किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है दो रन पूरे करते हुए, और देखना है क्या तीसरा रन कंप्लीट कर पाएंगे वहां पर बल्लेबाज, बिल्कुल नहीं। तो दो ही रन आए लास्ट गेंद के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए। एकता सारंगांव ने रन बनाए है 25 रन बने और 26 रन 26 का टारगेट रहेगा अब जानता राजा खारवाओ के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया मजर खान। तो इस वक्त आप एंजॉय कर रहे गावदेवी ट्रॉफी बापगांव 2023 का ये दूसरा दिन, और लगभग आज के दिन का ये आखिरी सत्र हम देख रहे हैं। आणि या दरम्यान जर विचार केला आपण तर 26 धावचं एक माफक आव्हान आहे, पण ज्या प्रकारे एकता स्फोट सारंगाव टीमची गोलंदाजी पाहिली आपण तर परफेक्ट तीन बॉलर टीमकडे आहे। एकूण जर विचार केला दोन्ही संघाची तुलना जर केली तर निश्चित सांगता येणार नाही की कुठला संघ जिंकेल। जनुमान पिंपला संघ पूर्णपणे तयारीने आहे, जर सामना कोची जिंकला तर खूप मोठं प्रश्न त्याच्यासमोर उभा राहील। तर दोन्ही सलामी जी बॅटर पाहतोय आपण, 18 चेंडूमध्ये 26 धावचं टार्गेट आहे। या सामन्यात विशाल पाटीलने थोडंसं निराश केलं, किमान 30 किंवा 35 पर्यंत जर मजल मारली असती तर क्वचित सामना एक चांगला पाहायला मिळेल, पण अजून सामना संपला नाही आहे। 18 म्हणजे 26। राहुल आणि उमेशची जोडी खेळपट्टीवर पाहतोय आपण, एक चांगला ऑलराऊंडर जाणता राजा खारबाव टीमचा। क्षेत्रक्षण लावल्या जात आहे, तीन षटकाचा सामना म्हणजे पॉवर प्ले नाही आहे। अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी पहिली आपण जनताराचा खरबाव टीमच्या माध्यमातून, आणि त्याच बळावर पाहतोय की आपण 25 रोखल्या गेल्या आणि 26 टार्गेट। त्यानंतर सज्ज राहायचं आहे टीम जे हनुमान पिंपला टीमचा कॅप्टन, आणि ते सज्ज आहेत। डिंग डोंग मयूरची बॅटिंग पाहायला विसरू नका।
तर बॉलिंग करण्यासाठी नवीन पाटील, सलामीचा गोलंदाज सज्ज होताना समोर उमेश तरे, 18 मध्ये 26 ची आवश्यकता आहे। पहिला चेंडू पलटी फटका हवे त्या क्षेत्राशी चेंडू खाली आणि पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करतोय नवीन पाटील। सबरस हादरा दिलाय जांतराचा खराब टीमला। मयूर तरे एक मोठी जबाबदारी घेऊन आता मात्र राहुल आणि मयूर याला एक चांगली पार्टनरशिप करावी लागेल। पहिले चेंडूवर मात्र धक्का दिलाय नवीन पाटील या बॉलरने। क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना पाहूया आपण मैदानाच्या आतमध्ये मयूर साठी ऑनसाइड चा जर विचार केला आपण स्कोर लेक मिड विकेट ठीक आमच्या समोर एक वाईडीस लॉन्ग वन आणि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग वन बाउंड्री हवेत आहे आणि मोठा हादरा बसलाय। आता मात्र पूर्णपणे कमबॅक करताना पहिल्या दोन चेंडूवर सलग विकेट प्राप्त करतोय नवीन पाटील। सुपर बॉलिंग जॉइंट होतील व्हाईस ऑफ ठाणे सिद्धी भावे सर। विकेट एंट्री कडे आले नवीन पाटील। सुपर स्टार पाहतोय आपण एक तासपूर्वी सारंगाव टीमच्या वतीनं सुपर बॉलिंग हॅट्रिक पूर्ण करेल काय। अजून विकेट चॅट्रिक एक बॉलरला कंप्लीट करता आले नाही। चांगला चेंडू होता अप्रतिम चेंडू पण प्रश्न विचारला गेलाच खूप चांगला चेंडू होता। यॉर्कर चेंडूची हत्ताळणी पाहिली होती आपण आणि थोडक्यात बचावलाय बॅटला स्पर्श झाला होता अन्यथा पंचाला विचार करावा लागला असता। अतिशय उच्च कोटीची बॉलिंग करतोय आपण सुपर बॉलिंग अटॅक। एक तास पूर्वी सारंगाव टीमचा हा एक युवा बॉलर म्हणजेच नवीन पाटील नावातच नवीन पण आहे खूप चांगल्या नवीन पद्धतीने गोलंदाजी करतोय नवीन पाटील हा बॉलर। वेगवान चेंडू सफल झाला होता आता मात्र एक चौटी धाव इथं मात्र कंप्लीट अगदी चेंडू कुठं ब्रश झाले पाहावं लागेल। लेगबेकच्या स्वरूपात एक सिंगल मिळते टीमची धाव संख्या पुढे सरकते आता खातं उघडते। एक दोन बाद नाजूक स्थिती 26 टार्गेट पण तो आता कठीण बनवलंय पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज नवीन पाटील यांनी। धोनीत चांगले बॅटर इथं मात्र पाहतोय आपण राहुल मात्र पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय। वर्चस्व पहिल्या षटकाचा जो विचार केला आपण पूर्णपणे दबावाखाली जांतराचा खराब टीमची बॅटिंग लाईन पाहतोय आपण। राईट आर्म वरती विकेट मारा करतोय नवीन। वेगवान चेंडू अप्रतिम अँगल म्हणून थोडासा चेंडू बाहेर निघतोय चांगलं विकेट किपिंगची भूमिका विशाल पाटील उत्साह वाढवताना आपल्या युवा गोलंदाजाचं। 4 चेंडू आतापर्यंत आणि फक्त आणि फक्त 5 चेंडू आणि बॅटने एक पण धावणं नाही। लेगबेकच्या स्वरूपात एक सिंगल काय क्लास बॉलिंगचं प्रदर्शन करतोय नवीन पाटील आणि याच पात्र ड्राईव्ह केलाय आता मात्र पाहतो की शेवटच्या चेंडूवर इथं मात्र निश्चित एक सिंगल बॅटने चांगले षटक पूर्णपणे वापशी करून दिले। आता मात्र 12 चेंडूंनी या सामना जिंकण्यासाठी इथून 24 धावीची आवश्यकता असेल। सुपर बॉलिंग पाहिली आपण
जालिंदर यांनी पहिल्या सामन्यात 3 चेंडू खूप मूल्यवान टाकले होते आणि त्याच गोलंदाजीच्या बळावर तो सामना जिंकला होता चांगल्या टीमच्या विरुद्ध. इथं मात्र 12 मध्ये रोकायच्या 24 अतिशय प्रतिम षटक पाहिलं होतं, पण पहिलं कोण जिंकेल कोण हरेल येणारे 12 चेंडू सांगतील. वेगवान चेंडू सफल क्रॉसवरून खेळण्याचा प्रयत्न, जे चेंडू कुठं ब्रश झाले पाहावं लागेल. जित धाव नव्हती, अति काही संकटात नाही याला म्हणतात. तीन धावा इथं मात्र कंप्लीट, जिथं धाव नव्हती तिथं मात्र 3 धावा. आता मात्र धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 5. अशा धावा तुम्हाला रोखावं लागेल जर सामना जिंकायचा असेल, कारण की अजून जंतराचा खारबा टीमची बॅटिंग खूप खोलवर आहे. पंकज कारभारी आणि राहुल ही जोडी खेळपट्टीवर पाहतोय आपण. जालिंदर चांगल्या चेंडूवर 3 धावा, कुठल्या बॉलरला आवडणार नाही. यास पात्र हा फटका चांगला आहे, कडक आहे, पण मात्र उंची जास्त लांबी कमी होती आणि जेल बाद. पिंपला सेंडर टोकाकडनं चांगला चेंडू होता, तेवढा छान असा ड्राईव्ह केलाय पाहतोय आपण. स्कोरलेक आणि मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच सिंगल सुरेख रिटर्न करतोय. चांगला थ्रो पाहायला मिळालं, धावसंख्या 6. यानंतर आपल्याच होम ग्राउंडवर मात्र जे हनुमान पिंपला संघ फाईट करेल, चालू श्रमितला विजेता संघ जो ठरेल. दाभाड इथं टॉप 3 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. लीग मॅच दाभाड लीग मध्ये खूप चांगलं प्रदर्शन, 4 मधून 5 विजय संपादन केलेला संघ. यास पात्र हा फटका चांगला आहे, खाली क्षेत्र आहे, 3 क्षेत्र शेंडूकडे येताना पाहतोय आपण. नाही कधी कधी अतिउत्साह असतात, गावाचा संघ जेव्हा असतो कॉमेंटर असतो की मात्र गुन्हे लखक गावाच्या बाजूनं थोडस काय होईन आपण प्रोत्साहित करतात. धावसंख्या पुढे सरकते आता मात्र पाहतोय आपण 8. सज्ज होतो गोलंदाज, चांगला चेंडू अँगल बनून बाहेर निघणारा चेंडू होता. यावेळेस मात्र कमालचा चेंडू ठातळला गेलं, फक्त आणि फक्त 8 धावा अजून सामना जिंकण्यासाठी, तर मात्र 18 धावीची आवश्यकता आहे. 7-18 समीकरण, एक षटकार किंवा चौकार यावा लागेल या चेंडूवर जंतराचा खारबाव टीमसाठी आणि एक तास फुट सांगवसाठी निर्धाव चेंडू. चांगला चेंडू होता, छोट्या बॅकचा वापर केलाय, ड्राईव्ह केला, एक्स्ट्रा कवर ड्राईव्ह पाहतोय आपण. एक सिंगल आणि आता मात्र अंतिम षटकामध्ये राहिल्या 17. जबरदस्त कामगिरी, एक तास फुट सांगा टीमच्या माध्यमातून दोन्ही बॉलरनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे. 6-17 असं समीकरण. पहिल्या सामन्यातला हिरो जो होता तो म्हणजे ओमकारचा एक षटक बाकी आहे, अजून एक युवा बॉलर खूप चांगली बॉलिंग करते, पण टीमचा कॅप्टन कोणाला पाचारण करेल. 6 मध्ये रोकायच्या 17, ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी. ओमकार पण खऱ्या अर्थाने या सामन्याला क्लाटणी देणारा पहिलं षटक ठरला होता नवीन पाटील यांचं. 2 चेंडूवर पहिले 2 विकेट, 1 रन खर्च करून 2 विकेट प्राप्त केलं होतं. सुपर बॉलिंग अटॅक पाहिलं होतं पहिल्या षटकामध्ये.
ओमकार अंतिम षटक मोठी जबाबदारी पहिल्या सामन्यात सुरेख बॉलिंग केली होती दोन विकेट आठ धावा खर्च करून मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता। पहिल्या चेंडूवर हा प्रहार पाहतोय क्षेत्ररक्षक तैनात आहे तिथे फक्त एकच मिळेल की मात्र दुसऱ्या धावीची मागणी करेल। पाच पंधराचं समीकरण पाहतोय पहिल्या चेंडूवर दोन धावा अजून खेळपट्टीवर पहिल्या पण तर निश्चित राहुल तरे हा खेळपट्टीवर आहे काही पण करू शकतो हा बॅटर पट्ट्यात चेंडू आला तर बाहेर पाठवतोय आउट ऑफ पार्क पण इथं मात्र थोडस पारडा चढ आहे एक तास फुट सरंगाव टीमचं पाच पंधराचं समीकरण याच पात्र हवेत आहे छेल घेण्याचा प्रयत्न का केला गेला नाही हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असेल। चार चौदा असं समीकरण जांतराजा खारबाव टीम साठी हा सामना जिंकण्यासाठी काटे की टक्का पाहतोय आपण गावदेव चषक बाबगाव 2023 सहा दुसरा दिवस समाप्तीकडे वाटचाल करताना यानंतर अजून एक महत्वपूर्ण लढत चालू समितला विजेता संघ पिंपला टीम सोबत या पात्र हेलिकॉप्टर उडवलंय पण हा सर हातात इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी 3-14 समीकरण परत एकदा खूप चांगली गोलंदाजी करताना ओमकार बॉलर पाहतो आपण चेतन येतोय ते सज्ज आहेत त्यांना खूप घाई आहे म्हणून टीमचा कॅप्टन इथं सज्ज आहेत राजमाळी यांनी पुरस्कृत केलेला संघ पाहतोय आपण टी शर्ट त्यांच्या माध्यमातून आणि एका चांगला खेळाडू म्हणून त्याचा उल्लेख आम्ही सातत्याने करतोय याच पात्र पिकअप फटका पाहतोय आपण पण हवा तसं टायमिंग परफेक्ट करता आले नाही आहे एक पूर्ण आणि आता मात्र दोन धावा सामना अजून संपला नाहीये कारण की दोन षटकार मारावे लागेल 2-12 असं समीकरण एक येणं गरजेचं आहे चेंडूवर जर एक आला तर सामना निश्चित रोमांचक स्थितीमध्ये जाईल जर एक किंवा डबल आले तर सामना पूर्णपणे एक तास पुढे सारंगाव टीम कडे झोपला जाईल। कालची स्थिती पाहिली होती आपण गोवे टीमची 27 धावांचं आव्हान होतं तो पार करता आला नाही आणि यावेळेस पात्र हा वेगवान चेंडू आहे हा वेगवान चेंडू आहे आणि सामना मी तर म्हणेन की एक तास पुढे सारंगाव टीम कडे झोपताना लेग ब्रेकच्या सुरुवात मिळते ती एक सिंगल 1-11 आणि याचबरोबर एक तास स्पोर्ट्स सारंगाव टीमने हा सामना जिंकलाय टीमचा कॅप्टन आपण लगेच या टॉस साठी